दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका 25 बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम बेमौसम की गर्मी और सर्दी की। तो एक तो गर्मी और सर्दी जो होती है वो तो मौसम में होती है कि गर्मी के मौसम में गर्मी होती है और सर्दी के मौसम में सर्दी, लेकिन एक गर्मी और सर्दी होती है बेमौसम जो कि हम समझ नहीं पाते हैं, कि हम सोचते हैं कि साहब गर्मी तो है ही नहीं, गर्मी का मौसम तो है ही नहीं, इसलिए बजीज को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है गर्मी के लिए। लेकिन कभी कभी गर्मी दूसरे मौसम में भी कभी कभी गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आजकल जो मौसम चल रहा है, आजकल उमस बहुत हो रही है, उमस बहुत हो रही है, इसमें बजीज को बहुत परेशानी होती है उमस में, और गर्मी भी बहुत हो रही है। हालाँकि ये गर्मी का मौसम नहीं है, और हमारे यहाँ मैं तो भोपाल में रहता हूँ इंडिया में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस वक्त गर्मी इतनी पड़ रही है, टेम्परेचर भी अच्छा खासा है और उमस सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें अपने बजीज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब गर्मी अगर बेमौसम पड़े तो फिर मालूम नहीं पड़ती है कि गर्मी पड़ रही है, तो आप उसे महसूस करें, क्योंकि हम तो पंखे में लेटे होते हैं और बजीज जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो कॉलोनी में कुछ देर देखें रुक के कि कैसा लगता है। तो ऐसा ही मैंने देखा कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने अभी 4-5 दिन से मैंने ये कूलर चालू कर दिया। ये देखिए आप, ये रखा हुआ, तो इसको मैं चला देता हूँ मजीज़ के लिए कूलर को। तो दोस्तों ये जो बेमौसम की जो गर्मी और सर्दी होती है और ये हमें मालूम नहीं पड़ती है, तो इसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से आप ध्यान रखें। ऐसे ही कभी कभी आजकल बारिश भी हो रही है, तो किसी दिन ज़्यादा ठंडा हो जाता है, 2-4 दिन कभी कभी, या 2-1 दिन बहुत ही ठंडी रातें हो जाती हैं। तो तब मैं अभी देखिए गर्मी और सर्दी जो है बराबर पड़ रही है, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कि ये मैं ये सर्दी में ये ढाक देता हूँ, ये चादरा जो है ये सर्दी में मैं ढाक देता हूँ, और इधर से मैं कवर कर देता हूँ मजीज को। तो ये वाली जो सर्दी और गर्मी होती है इसमें थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सर्दी के मौसम में ही सर्दी पड़ती है और गर्मी के मौसम में ही गर्मी पड़ती है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अभी ये सर्दी का मौसम तो है ही नहीं, हमें क्या करना है ढाक के। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे हमें सर्दी या हमें गर्मी लगती है तो वैसे ही बजीज को भी लगती है, और वैसे ही आप उनका ध्यान रखें और खूब ध्यान रखें। और अगर आपको गर्मी लग रही है और आप पंखे में हैं, या आपको पंखे की और कूलर की ज़रूरत पड़ रही है, तो जाहिर है कि आपके बजीज को भी गर्मी लग रही होगी और उन्हें भी कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ रही होगी, तो उनका ऐसा इंतज़ाम करें। और अगर आपने कुछ ढाक दिया है या हवा को बंद कर दिया है तो आप फिर से खोल दें गर्मी के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बजीज का जब ख्याल रखेंगे तो आप अच्छी ब्रीड भी ले पाएंगे और अपने बजीज को तंदुरुस्त भी रख पाएंगे। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर ये होगा कि कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। कभी कभी बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर जो है कि बजीज बीमार हो जाते हैं, और जैसे बच्चे हैं तो बच्चे हांडियों में मर जाते हैं, मटकियों में बच्चे मर जाते हैं, तो उसकी वजह यही होती है, ख़ासतौर से गर्मी होती है। जैसे आजकल अगर किसी के बच्चे मर रहे हों तो ये वजह भी हो सकती है कि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अपने अपने एरिए के हिसाब से आप ख्याल रखें, अपने यहाँ के मौसम का, और हर जगह का मौसम तो मैं समझता हूँ एक जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद अपने आप से अंदाज लगा सकते हैं कि जब हमें गर्मी लग रही है तो फिर बजीज को भी लग रही होगी, और जो भी अदर्स बर्ड्स रखे हैं आपने उनको भी लग रही होगी। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि मौसम से ही मतलब नहीं है, जब भी गर्मी पड़े या जब भी सर्दी पड़े, क्योंकि आजकल मौसम ऐसे हो गए हैं कि कभी भी कुछ भी होने लगता है, कभी गर्मी और कभी बारिश और कभी सर्दी। तो इसलिए आप हमेशा अपने बजीज का ख्याल रखें और उनको सर्दियों में ढाक के रखें, और अगर गर्मी पड़ रही है तो फिर उसको आप पंखा चलाएं या जो भी कूलर चलाएं, या आपके यहाँ कुछ आपने आड़ कर दी हो तो उसे हटा दें ताकि हवा आती रहे, या हवा के लिए ऐसा कर दें कि कहीं रोशनदान आपको करना हो तो वहाँ पे आप रोशनदान कर दें जहाँ से रोशनी और हवा आती रहे। खिड़की अगर बंद कर दिए तो उसे खोल दें, तो ये सब आप करते रहें। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बजीज का अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, और गर्मी सर्दी और बारिश से भी बचाएंगे, क्योंकि कुछ दोस्तों के मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं कि हमारे अंडे जो हैं कि भीग गए बजीज के, अब हम क्या करें, बजीज के अंडे भीग गए, अब उसमें से बच्चे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों ऐसी नौबत ही ना आने दें कि अंडे भीग जाएं, या हमें उनका इंतज़ाम करना पड़े अंडों को भीगने के बाद फिर उसका कुछ कर रहे हैं कि साहब वो कैसे अंडे ठीक होंगे, तो ऐसा होना ही नहीं दें।
तो इस बारिश में भी जो है कि बजीज को बचाना, पहले से इंतज़ाम करके रखें कि बारिश हो सकती है, और अगर मौसम ख़राब हो रहा है तो बारिश बेमौसम भी हो जाती है और मौसम के हिसाब से भी होती है। तो दोस्तों यही मेरा कहना था कि आप अपने बजीज का खूब ख्याल रखें, अच्छे से ख्याल रखें, और मौसम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। मौसम का ख्याल रखने से, खान पान के साथ मौसम का ख्याल रखने से आपके बजीज बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे और अच्छे तंदुरुस्त रहेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। और आप मेरा चैनल को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन पे जो मैं भी जब भी मैं जो वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन पे आपके आ जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए।